नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई यानी डीमर मुंबई में जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था उसका रिजल्ट आ चुका है। आपको याद होगा डीमर मुंबई में 169 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया था जिसका एग्जाम 18 जून 2023 को दो शिफ्टों में लिया गया था। इसका रिजल्ट आ चुका है। इसके रिजल्ट का आप पीडीएफ यहां देख सकते हैं, डीमर पोस्ट नेम फार्मासिस्ट। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहां आपको 27 नंबर पर देखेंगे फार्मासिस्ट सीट 1। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये सीट आपको ओपन होगा। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो था वो 169 था। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। बैचलर इन फार्मेसी कैंडिडेट एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट दोनों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहा कट ऑफ। तो हाईएस्ट मार्क जो इसमें देखा गया है वो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 142 के अराउंड हाईएस्ट मार्क इसमें देखा गया है। तो सभी कैंडिडेट को बधाई, अगर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ वो और तैयारी करें। आप इस रिजल्ट को अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करके या फिर रोल नंबर या एप्लीकेंट नेम मार्क आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये सब फिल करके या फिर सर्च ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ आप सर्च बार लिखा है, सर्च बार में भी जाकर देख सकते हो। यहाँ जो है टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट थे यहाँ लगभग 24,703 थे, जिनमें से 169 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो थैंक यू दोस्तों, अब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसका देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका डीमर का रिजल्ट आएगा या फिर डीमर का एग्जाम होगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा और उसका अच्छे से तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा।